घर आ गए हैं और मसला है कश्मीर ये है कि इसकी जो लाइट मारो इधर लाइट मारना इधर तो ये वाली बेल्ट नजर आ रही है इससे आ रही है आवाज तो कल सुबह लेके चलेंगे इसका ऑयल भी चेंज करवाना है ऑयल फिल्टर चेंज करवाना है इस आवाज को सेट करवाएंगे स्टीयरिंग को सीधा करवाना है और भी दो तीन काम है अगर हो सका तो स्टेट पाइपलाइन भी करवा लेंगे फायर किट भी लगवा लेंगे अगर हो सका तो okay. और बाकी देखते हैं क्या सीन है बाकी अब आप लोगों से इंशाल्लाह सुबह मिलते हैं तो अल्लाह हाफिज 2000 years later हां जी तो गुड मॉर्निंग भाई आज सैटरडे है और गाड़ी का काम करवाना है और घूमने फिरने भी जाना है तो अभी चलते हैं तो पहले सारे काम हो गए ना सभी कर लिए आप चलते हैं मैकेनिक के पास बात कर लीजिए अगर मैकेनिक काम कराते हैं उसके बाद देखते हैं क्या हाँ जी तो भाई इधर आ गए हम ये रहे हमारे फैसल भाई अभी मीटिंग वीटिंग कर रहे हैं तो फारिग हो जाए उसके बाद इसके मसले वगैरह डिस्कस करते हैं हल करवाते हैं और फिर उसके बाद चलते हैं जी तो भाई सीन ये है अभी लेना है इसका GTX का 3 लीटर का ऑयल ओके और एयर फिल्टर तो वो लेते हैं और बेल्ट में मसला था तो उसको टाइट करवाते हैं मुझे आवाज़ अजीब सी आ रही थी अच्छा आप लोगों ने नोट की होगी नहीं की होगी हाँ जी तो भाई ये ऑयल है इसका GTX 3 लीटर का होता है पूरा तो भाई इसका ऑयल फिल्टर भी ले लिया एयर फिल्टर कह रहा था मैं एयर फिल्टर सही है उस पर हवा लगवा लेंगे जब सर्विस करवाने जाएंगे ये ऑयल फिल्टर है ऑयल के साथ लगता है तो अभी बाकी ये रहा भाई 1000 CC 88 का नहीं तो भाई ये भाई लेट गए नीचे ऑयल के ढक्कन को लूज करेंगे ऑयल निकालेंगे इसका और फिर इसके अंदर हम डालेंगे ये GTX 3 लीटर तो वगैरह डालिए और यार इसका स्टीयरिंग टाइट देख सकते हैं आप लोग सीधे हैं लेकिन स्टीयरिंग जो है वो टेढ़ा है बिकॉज अलाइनमेंट होनी है या क्या मसला है तो इसको भी फिलहाल हल करवाते हैं और मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि ना इसमें से पेट्रोल उड़ है क्योंकि मैं पेट्रोल डलवा के इसको पार करता हूँ तो फिर 2 दिन बाद या जब टाइम मिलता है इसको निकालता हूँ ना तो पेट्रोल नहीं होता गाड़ी में तो वो भी चेक करवाते हैं क्या मसला है क्या हो सकता है वो एग्जॉस्ट की वजह से हो बाकी देखते हैं और क्या सीन है और आपके भाई की भी थोड़ी तबीयत खराब हुई है फ्लू वगैरह बहुत ज़्यादा हुआ है लेकिन कह रहा है कोई बात नहीं यार हाँ जी तो भाई इसका बेल्ट हो गई टाइट ऑयल हो गया चेंज ऑयल फिल्टर हो गया चेंज अभी स्टीयरिंग का काम चल रहा है वो भी हो जाए और फिर देखते हैं क्या काम जो जो याद आता है एक्सीलेटर फंस रहा था उसको भी सेट करवाते हैं और जो उसका फ्यूल टंकी का पाइप है उसको भी चेक करवाना है मैंने हाँ जी तो भाई ऑयल चेंज हो गया ऑयल फिल्टर चेंज हो गया अभी फसल भाई समझ रहे हो समझ रहे हो लेट के नीचे हम पेट्रोल का चेक कर रहे हैं स्टीयरिंग का मसला था वो हल हो गया और गाड़ी हल्की फुल्की मिसिंग कर रही थी वो मसला वसला सेट हो गया अब इसी करवानी है सर्विस वगैरह तो उसको देखते हैं क्या सीन है पहले घर चलते हैं बार बार जाना है आपको लेके तो वो पहले देख लेते हैं उसके बाद सर्विस का देख लेंगे वो तो मसला नहीं है तो हाँ जी तो भाई गाड़ी का ऑलमोस्ट सारा काम हो गया अब देखते हैं घर और फिर जाके देखते हैं क्या सीन है तो लेट्स गो कौन है ये लोग और अभी मैं गाड़ी में आगे बैठा हूँ तो मैंने इग्निशन दिया है चाबी लाना तो इग्निशन आगे नहीं बढ़ रहा और मेरे ख्याल से तो किसी ने गाड़ी में छेड़खाने करने की कोशिश की है वरना मैं अभी आया हूँ मेरे पास ही होती है गाड़ी तो अभी तक तो कोई ऐसा सीन नहीं था और अचानक ही ऐसा हो गया तो खैर कॉल किया मैंने भाई को तो आते हैं तो कोई दोस्त वगैरह लड़ाते हैं और फिर करते हैं इसका मसला हल ये घर तो जाना है ना तो देखते हैं क्या सीन है जी तो भाई ये आप लोग देख सकते हैं पूरा ये फुल खुलवा दिया मैंने क्योंकि वो छोटा सा मसला था तो मैंने कहा यार को पैसा बर्बाद कर ये खुदा ना खास्ता अभी तो हो गया है और अगर फैमिली के साथ गाड़ी जाती है तो तब अगर ये मसला आया सीधी करके ले आऊं रिवर्स ले आऊं
मैंने कहा कि यार अभी ये मसला हल करवा लेते हैं, क्योंकि फैमिली कोई गाड़ी कोई बाइक लेके जाते हैं, बिल्डिंग लेके जाते हैं, तो ये मसला आ जाए तो ये बात नहीं होगी। तो घर पर ही था मैं, चलो खैर ब्लॉग तो देख रहे होंगे आप लोग सारा, मेरे हिस्से में सारी लिखी हुई है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, शौक है तो फिर क्या कर सकते हैं, देखिए शौक है गाड़ी का मुझे। ओके जी, तो भाई गाड़ी के इग्निशन का प्रॉब्लम आ गया था, तो वो ठीक तो कराना ही था, तो अभी ये भाई के हाथ में इग्निशन है और भाई ने तकरीबन भाई हो गया, भाई ने कर दिया इसको ठीक, और अभी इसको लगवाते हैं और फिर अपनी दूसरी गाड़ी को सर्विस स्टेशन पे दिया हुआ है तो वो लेंगे, ये वाली गाड़ी वहाँ पे देंगे और फिर चलेंगे। बाकी ये मेरी प्यारी सी जान है, तो अब चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि क्या सीन है। हाँ जी, तो भाई गाड़ी के स्विच का काम हो गया, पोयो ऑयल हो गया स्विच, और अब हम चलते हैं। तेरे में दुम चौथे में गुम पोयो ऑयल। जरा इसको सर्विस स्टेशन पे दे के शरार लेके घर चलते हैं, और फिर जब ये सर्विस हो जाएगी तो फिर ये लेने आ जाएंगे, ऐसा कर लेंगे। अभी थोड़ी सा थक भी गए और अबू बकर भाई भी थक गए, हम तो अबू बकर भाई की सुबह से खुआरी करवा रहा हूँ मैं, तो चलते हैं और फिर देखते हैं क्या। हाँ जी, तो भाई शरारत तो तैयार है, हो रही नजर आ रही होगी आप लोगों को, तो अभी घर चल के इसका घेरा करवाता हूँ। बाकी ये बहुत ज्यादा गंदी हो रही थी, तो इसको भी सर्विस करवाते हैं, तब तक वो खड़ी कर कर आते हैं, तब तक ये सर्विस हो जाएगी, तो फिर चलते हैं। हाँ जी, तो माशाल्लाह वाजवा सुभान अल्लाह, चमक गई है गाड़ी, चेक कर सकते हैं इधर मुंह नजर आ रहा है बॉडी के अंदर, बाकी टायर वायर ये वो अभी वो अंदर हो रही है, तो इसको घड़ी कर कर आते हैं और फिर चलते हैं। जी तो भाई ये भी हो गई है माशाल्लाह से सर्विस, अब चलते हैं खैर और फिर उसके बाद आप लोगों को घेड़े करवाते हैं। भाई सीन ये है, आप लोगों ने देख लिया होगा पूरे दिन जो मैंने इतनी सर खपाई की है, गाड़ियों के पीछे आराम करना था और बेड़ा गर्द हो गया। बाकी अब आप जरा गाड़ी की मैं कहता हूँ शाइन चेक। हाँ जी, तो भाई अब जरा गाड़ियों की लुक चेक करें, टायर रिम बॉडी शीशे तो यार उफ। बाकी प्रोजेक्ट जनाजा, बाकी भाई जिसको भी मसला है मैं तो प्रोजेक्ट जनाजा ही रखूँगा, क्योंकि किसी ने इसका नाम प्रोजेक्ट जनाजा दिया था और वो बात मुझे काफ़ी हर्ट हुई थी, तो मैंने ये सोचा था कि मैं इसको जब भी बनवाऊँगा इसका नाम प्रोजेक्ट जनाजा रखूँगा। तो भाई आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड, बाकी आज पूरा दिन बकर भाई मेरे साथ थे, बकर भाई ने बड़ी एफर्ट की है, तो अभी फिलहाल आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।